हम लोग अभी तक रुके थे कि शायद महाविकास अघाड़ी की अंतरात्मा जाग जाएगी और वो कोई भी एक 48 सीटों में से एक मुसलमान या माइनॉरिटी नुमाइंदे को देंगे टिकट लड़ने के लिए। 50 फोन आ गए हमको, हमारे सदर साहब को, सबको नहीं आए। तो फिर पार्टी ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेगी। जैसा आपने देखा होगा पिछली मर्तबा आरिफ नसीम खान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे तकरीबन 6 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी है मगर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे कोई। महाविकास अघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों में उनको कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिखा मुसलमान या माइनॉरिटी का जिसको खड़ा कर सके, यहाँ से बाहर से लाके खड़ा करे। तो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, इम्तियाज भाई, हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि लोग हमको प्यार मोहब्बत दुआ से नवाजेंगे, वोटों से नवाजेंगे और इस मरतबा हम यहाँ से जीतेंगे। तो देखिए ये किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी मुसलमान को टिकट देंगे नहीं, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा होगा, हमारी कायदत कब मजबूत होगी। तो यकीन मानिए इतने दिनों में हमको सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ गए कि आप लोग भी नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं लड़ेंगे, तो होगा क्या माइनॉरिटी का, जो 77 साल से होता आ रहा माइनॉरिटी के साथ वो आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया। देखिए मुझे बोला गया था आप लड़िए, मैंने कहा साहब मैं हर तरफ जाऊंगा, मजलिस का प्रचार करूंगा, देश भर में जहां जहां हमारे कैंडिडेट उनके तक दुनिया में देश में अपने मजलिस का मैं संदेश दूंगा, हर जगह कैंपेनिंग करूंगा। लिहाजा हमारे पार्टी के सदर, पार्टी के जिम्मेदारों ने डिसाइड किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुंबई नॉर्थ सेंट्रल का जो कैंडिडेट होगा वो है एडवोकेट रमजान चौधरी। एडवोकेट रमजान चौधरी लोकल है, सोशल वर्कर है, एक एडवोकेट है, एक वकील है, एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता है, इन्होंने काम किया है काफी यहाँ के क्षेत्र में और ये लोग बाहर से लाए। बीजेपी को कोई लोकल नहीं मिला, जलगांव से लेकर आना पड़ा। महाविकास अघाड़ी को कोई लोकल नहीं मिला, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाना पड़ा, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने इलाके से जो यहाँ का ग्रास रूट लेवल का वर्कर है जिसके पास एक मजबूत पकड़ है उसको हमने यहाँ से टिकट देने का फैसला किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सोचा यहाँ से लड़ना चाहिए चुनाव और इंशाल्लाह हमको जीत भारी अक्सरियत के साथ मिलने वाली है क्योंकि हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा के साथ है। इस लड़ाई में हम सीधा भाजपा वर्सेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हमको यहाँ पे लोग वोट देंगे और फिलहाल मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने फैसला किया है कि मुंबई से एक सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे पार्टी ने कहा कि आप जाइए रमजान साहब के साथ में और इनका नामांकन दाखिल करिए, हम नामांकन दाखिल करना है, आपकी दुआ और आशीर्वाद होगा। रुकने की वजह क्या है, 1:30 बज गए, अब तक हम रुके हुए हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी से एक भी मुसलमान को टिकट देती, अगर नसीम खान को टिकट देती, हम नहीं लड़ते ना। तुम्ही तैयार होता महाविकास अघाड़ी सोबत जायला? महाविकास आघाडीचं तुमचं त्या ना पाहिजे नाही ना आमच्या महाविकास आघाडीची कुठली युती नाही, तरी देखील तुम्ही महाविकास आघाडी अपेक्षा, महाविकास आघाडी हो चाहे ये इस तरफ ये एनडीए हो या आई इंडिया अलायंस हो, हम किसी का भी हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारे लिए ये और ये दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन है। इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, नहीं आए साथ में तो हम लड़ रहे हैं ना, तुम भी नहीं देंगे किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो हमको तो करने दो ना, हमको तो करना है ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लोगों को। लेकिन आरोप किया जाता है मतों का विभाजन, बेबुनियाद बेफजूल आरोप है, मतों का विभाजन जो है सारी चीजें खोखली है। अरे तुम दो ना, तुम क्यों नहीं देते महाविकास अघाड़ी, बी टीम का आरोप, ये बी टीम सी टीम ए से लेके जेड तक हमको बना दो, हमको कोई फर्क ना कभी पड़ा है ना कभी पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ सक्षम है और ये पार्टी का फैसला है, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी के फैसले का पालन करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है और पार्टी ने डिसाइड किया है कि यहां से एडवोकेट रमजान चौधरी चुनाव लड़ेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, हम लड़ रहे हैं। असद ओवैसी आएंगे क्या चुनाव प्रचार? बिल्कुल आएंगे, 13 तारीख को औरंगाबाद हैदराबाद सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जरूर आएंगे। ओवैसी साहब आएंगे, इम्तियाज भाई आएंगे, हमारे तमाम जितने भी जिम्मेदार महाराष्ट्र की विभिन्न जगहों पे तो सब आके प्रचार करेंगे। और देखिए पब्लिक की मोहब्बत है, बहुत हजारों लोगों के फोन आ गए, सबने कहा वारिस भाई आपको लड़ना है, पार्टी ने कहा आपको लड़ना है, मतलब बिल्कुल लड़ना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है और कैंडिडेट रहेंगे हमारे एडवोकेट रमजान चौधरी। शुक्रिया, जय हिंद जय महाराष्ट्र।